अजी भरपूर जवानी में दगा दे के गए हो। जी चाहता है कि उनकी खूबसूरत बालों को मैं चुम लूं। लेकिन लेकिन कहने के बस्ती में कोई रहता है कोई पहाड़ में, बस्ती में कोई रहता है कोई पहाड़ में, बचाओ साधु बाबा। ये तो शिकार करते हैं पर्दे की आड़ में, आड़ में। अरे ये दुनिया चली जाए जाए भार में, ये तो लगे है हम दोनों के जुगाड़ में। लेकिन इसलिए कहना है कि तेरे एहसान का कर्ज है यकीनन मुझ पर। हेलो, तेरे एहसान का कर्ज है यकीनन मुझ पर कि तू मुसीबत में कभी मेरा काम आया था। अरे इसलिए दे ना सकी तुझको इस थप्पड़ का जवाब, मैंने एक बार तेरे घर का नमक खाया था। क्या बात है। हाँ, लेकिन धोखा किया, फरेब किया, दिल दुखा दिया। दुखा दिया, ऐसा बात बोला, धोखा किया, फरेब किया, दिल दुखा दिया, उसने मेरी बफाओं का कैसा सिला दिया। अरे उसने उससे कहा था मैंने जलाने को एक चिराग, उस बेवफा ने तो मेरा घर ही जला दिया, उस बेवफा ने तो मेरा घर ही जला दिया। इसलिए कहना है कि बड़ा एहसान है उसका। हेलो, बड़ा एहसान है उसका। किसका? उसका, मेरे मौला का। बड़ा एहसान है उसका जिसने पैदा किया है हम हसीनों को। आए है, क्या बात है। बड़ा एहसान है उसका जिसने पैदा किया है हम हसीनों को। अरे अरे जहनबीन सॉरी बड़ा एहसान है जिसका जिसने पैदा किया है हम हसीनों को, हम हसीनों को, महजनी महजबीनों को, नाजमिनों को। अरे मैं कहती हूँ बार बार अपने मौला से कि पैदा किया है ऐसे कमीने को। हेलो हेलो। लेकिन दुकानदार, लेकिन ये भी बात है, दुकानदारी बहुत बहुत शुक्रिया, 20 रुपए नवाजे हैं। लेकिन कोई ऐसा बात है, अगर मुकाबले में आए हैं तो मुकाबले करना चाहिए। हमारे एक टीचर था स्कूल में, बोले कि जब भी तुम मुकाबले में आओगे तो तुम्हारा गुरु रहे या कोई भी रहे, मुकाबला मुकाबला ही होता है। जी जी, बाकी मेरा वो गुरु है, लेकिन मुकाबला देखिए आज गुरु और शिष्य का कैसा होता है। लेकिन इसलिए कहना है, दोस्त होते हैं अंजुमन बेवफा मालूम था, दोस्त होते हैं अंजुमन बेवफा मालूम था, हम भी उन दोस्तों में हैं ये क्या मालूम था। अरे मेरी बर्बादी पे तुम भी हंस दिए दुनिया के साथ, अरे कम से कम तुमको तो मेरा माजरा मालूम था। मुलाजा करें, बोलिए। कहना है, दिल देके गए हो ना पता देके गए हो, दिल बताओ क्या देके गए हो। फिर घटा दे। दिल देके गए हो ना पता देके गए हो, और रात भर जागने की सजा देके गए हो। हेलो, सजा देके गए हो, अजी क्या खूब। हेलो, क्या खूब मोहब्बत का सिला देके गए हो, अजी भरपूर जवानी में दगा देके गए हो।
दीजिए भाई, इसमें थोड़ी सी लाउड कीजिए। हेलो, देखिए उधर दो दो लेडीज हैं, दोनों का जवाब देने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं देता हूं, आप लोग सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। कि मैंने तेरे घर का नमक खाया था, इन्होंने हकीकत बयान की है, हाँ कोई शक नहीं है। मेरा कहना है कि एक मच्छर ने हमें काटा, ये उसका जुनून था, मैंने खुजलाया, इसमें मेरा सुकून था। एक मच्छर ने हमें काटा, ये उसका जुनून था, मैंने खुजलाया, इसमें मेरा सुकून था। जी तो कहता था कि मसल के रख दूं, लेकिन क्या करूं, उसके रगों में मेरा ही खून था, उसके रगों में मेरा ही खून था। बताइए, इन्होंने ये भी कहा कि क्यों पैदा किया ऐसे कमीने को। बताइए, उधर गुरुजी कहते हैं, फिर कमीना भी कहती है, आदत आदत, मजबूर है बेचारी, इसीलिए मैं भी मजबूर हूं, तवज्जो चाहूंगा, इंसान हो। क्यों पैदा किया ऐसे कमीने को भाई, दुनिया का सबसे पहला कौन इंसान है जानते हैं? बिल्कुल हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया का सबसे पहला इंसान है। आप जब जन्नत में थे, अकेले थे, अकेले अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, तो अल्लाह ताला से दुआ किया कि अल्लाह ताला कोई उपाय कीजिए। असलम सैफी साहब कहते हैं कि तेरी मर्जी से जमाने में ये इंसान बना, सर बना, सजदा बना, दिल बना, ईमान बना। बेशक आरजू की थी ये आदम ने कभी जन्नत में कि दिल बहलने का मेरे कोई तो सामान बना, तब औरत को बनाया अल्लाह ताला ने। देखिए सही जवाब दे रहा हूं, उसमें आग, पानी, हवा, हजरत बाबा आदम अलैहि सलाम के बाएं पसली निकाल के मां हवा को बनाया अल्लाह ताला ने। अब जवाब क्या देख रहे हैं, मतलब क्यों पैदा किया ऐसे कमीनों को? पहले तो हम ही आए, आप आए, उसके बाद हम आए ना, तो ये तो आप कमीना बन के आए, हम लोग हसीना बन के आए, तो इसलिए मैं कतरा ही पहले सुन लीजिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई, हाँ उसके बाद बोलिएगा, जवाब सुन लीजिए फिर बोलिएगा। तो लीजिए, क्यों पैदा किया ऐसे कमीने को? कहना है कि बिन मर्द के हयात तेरी सोगवार है, वो तो है, बिन मर्द के हयात तेरी सोगवार है, फिर भी ये जाते मर्द तुझे नागवार है। लाखों बुराइयां हैं तेरे लब्बे मर्द की, मालूम नहीं तुझको क्या लज्जत है दर्द की। अरे बर्बाद हिंदुस्तान को बेदर्दों ने किया, आजाद हिंदुस्तान ये मर्द ने किया। अगर सुनिए, जंग का ऐलान हो गया है यहाँ, एक मिनट, उन्होंने कहा कि गुरु चेला का सवाल जवाब हो रहा है, औरत का मर्तबा अगर सुनाने लग जाओ ना तो दो रात लगेगा, सुनाइए तो। चलिए आज हो जाए, तो मर्तबा के पीछे मत जाइए, दो रात अगर लगेगी हाँ तो कल और परसों फ्री प्रोग्राम करना पड़ेगा यहाँ। फ्री क्यों करेंगे? हाँ बिना पैसे का, आप पैसा दीजिएगा मैं करूँगी। मैं पैसा नहीं लूंगा, आप भी नहीं लीजिए, क्योंकि मर्तबा औरत का बयान सुनिए। मैं कतरा ही सही पर मेरा वजूद तो है, वजूद है बर्बाद हिंदुस्तान को बेदर्दों ने किया, आजाद हिंदुस्तान ये मर्द ने किया। अंग्रेजों से मिल बैठी थी वो भी थी एक औरत, इसकी तरह, सब औरत नहीं इसकी तरह, हाँ अंग्रेजों से मिल बैठी थी ये भी थी एक औरत,
हजरत हसन को जहर दिया वो भी थी एक औरत, हजरत हसन को जहर दिया वो भी थी एक औरत। और सुनो, जीनत महल दिल्ली की जो मशहूर जगह है, औरत का बेवफाई का देता हो पता है, ये औरत है तू, औरत है तू, औरत ही रहेगी, मर्दों के तेरे दिल पे हुकूमत ही रहेगी। लेडीज फर्स्ट, जानते हैं ना, लेडीज फर्स्ट बेकार है इस दुनिया में, तो इसलिए कहना है जो भी करना है सुनो, कर लो। औरतों का अब जमाना आ गया, जबरदस्ती आ गया, औरतों का अब जमाना आ गया और मर्दों के हिस्से में थाना आ गया। अरे औरतें कहने लगी ये शान से हाथ में कोई अब निशाना आ गया, हाथ में कोई अब निशाना आ गया, इसलिए कहना है मर्दों की बड़ी बड़ा शान है इनका। हाँ शान है, लेकिन फिर क्या है मैं बताती हूँ आप लोगों को। आप लोग मर्द हैं और हम लोगों की लड़ाई है, आप लोग सुने, अपने दिल पर मत रखिएगा, लेकिन कहना है तुम्हारे नाम में वो ई लगा देता तो क्या होता है, तुम्हारे नाम में लगाया नहीं ना, तुम्हारे नाम में वो ई लगा देता तो क्या होता, और करिश्मा अपनी कुदरत का दिखा देता तो क्या होता, क्या होता। बुराई अपने मुंह से करते रहते हो औरत की, अरे खुदा तुझको अगर और बना देता तो क्या होता, दुचार को बच्चा पैदा होता और क्या होता। तो इसलिए कहना है, लेकिन मैं कतरा ही सही, लेकिन पर मेरा वजूद तो है, क्या भाई है, मैं कतरा ही सही पर मेरा वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है, और मैं कल जिसके हाथ में फूल देकर आई थी उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। जगह लो, चार मिसरे दे रही हूँ, मुलाहजा करें, कोई भी गलत बात नहीं। हाँ अरसाद सुनेंगे, कहना है मैं हूँ सूरज तेरी खातिर पिघल जाऊंगी। हेलो, हाँ पिघल जाओ। मैं हूँ सूरज तेरी खातिर मोम की तरह पिघल जाऊंगी, और एक दिया बनके तेरी राह में जल जाऊंगी, है कोई नजर में अगर तो बता दे मुझे, मैं तेरी जिंदगी से धुआं बनके निकल जाऊंगी। लेकिन आइए हजरात उधर से, आप लोग जो सुनी आइए लीजिए, मैं जवाब दे रही हूँ। कहना है हेलो, निशाने पे दिल है निशानी ना मांगो, निशाने पे दिल है निशानी ना मांगो, और मुझसे मेरी जान
है जान, मुझसे मेरी जान बोल मेरी धड़कन, जवानी ना भांगो। अरे मुकाबिल में आए हो तो कुछ देर जरा ठहरो, अभी रात बाकी है पानी ना मांगो। 3 बज गए, रात खत्म होने वाली। हाँ, अभी रात बाकी है, पानी ना मांगो, अभी भी बाकी है, अजान बाकी है ना। मुझको तेरी दुनिया से धुआं बन के निकल जाऊंगी। बहुत ही अच्छी बात है, प्यारो मोहब्बत की बात है। और समाज फरमाए, मेरा कहना है कि मैं बिन पंखों का जुगनू था, जहाजी कर दिया मुझको। शैली जी जी इधर से भी चार मिसरे समाज फरमाए, बहुत ही अच्छी बात है कि मैं बिन पंखों का जुगनू था, जहाजी कर दिया मुझको। और गजल ने छू लिया तनवीर गाजी, कर दिया मुझको वही मस्जिद की बाजू में है घर उस सौख लड़की का, मोहब्बत शुक्रिया तेरा नमाजी कर दिया मुझको। मोहब्बत शुक्रिया तेरा नमाजी कर दिया मुझको। हेलो हेलो, उधर से आप लोगों ने सुनी। देखिए मैं तो प्यार मोहब्बत वाली बात ही करूंगी, तब जो चाहूंगी चार मिश्रे पर मुलाहजा करें। कहना है रंजो आलम से रिश्ता मेरा जोर कर गया, जोर कर गया, रंजो आलम से रिश्ता मेरा जोर कर गया, और जालिम जरा सी बात पे मुंह मोर मोर कर गया, मोर कर गया। देखे तो कोई इसके तकफुल की शौकिया, वो ख्वाब में भी आया तो मुंह मोर कर गया। गुनाह है, क्या बोल रहे थे? हाँ, काम ऐसा ना करो कि गुनाह है, ऐसा ही कुछ बोल रहा था। लेकिन सुनो, गौर कीजिएगा, चार मिसरे में तवज्जो चाहती हूँ। कहना है कि बहुत दुखी हूँ, मेरे दिल को तुम दुखाओ नहीं, बहुत दुखी हूँ, मेरे दिल को तुम दुखाओ नहीं, जमाने भर का सताया हूँ,
तुम मुझको सताओ नहीं, है अख्तियार हंसो तुम हजार बार, हाँ है अख्तियार हंसो तुम हजार बार। फैयाज भाई आप भी सुने, कहना है कि बहुत दुखी हूँ मेरे दिल को तुम दुखाओ नहीं, जमाने भर का सताया हो तुम सताओ नहीं, है अख्तियार हंसो तुम हजार बार मगर जमाने भर को मेरे हल पर हंसाओ नहीं। लेकिन चार विषय पर कहना है, लेकिन कहना है क्या, कहना है गौर कीजिएगा हजरत कि क्या हूँ मैं और क्या समझते हैं जमाने वाले। फैयाज साहब गौर कीजिएगा, क्या हूँ मैं और क्या समझते हैं जमाने वाले, सब राज नहीं होते बताने वाले, अरे कभी तन्हाई में आकर देख लेना कैसे रोते हैं जमाने को हंसाने वाले। लेकिन चार मिश्र में कहना है ये मेरी नाना के लिए से, तो मुझे चाहूंगी मुलाहजा करें क्या कहना है इसने। कहना है गांव गांव में जाती हूँ गांव में है कुआं, कुआं गांव गांव में जाती हूँ गांव में है कुआं, कुआं और आग जब लगती है तो निकलता है धुआं, धुआं और जी चाहता है कि उनकी खूबसूरत बालों को मैं चुम लूं। और आग जब लगती है तो निकलता है धुआं, धुआं और जी चाहता है कि उनकी खूबसूरत बालों को मैं चूम लूं, जी चाहता है कि उनकी खूबसूरत बालों को मैं चूम लूं मगर डर लगता है कि कहीं निकल ना जाए जुआ। क्या बात है, लेकिन मेरे महबूब जिस दिन से तुम रूठे हो हमको लग रहा है कि रूठे रूठे क्या रूठे हो, नहीं रूठे हो कभी नहीं, लगता तो है, लगता है तो हाँ, चलिए इरशाद जरा सी बात पे इतना ना रूठिए, लेकिन मेरे महबूब जिस दिन से तुम रूठे हो, मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, बेवजह होके ये जिंदगी रह गई, बेवजह होके ये जिंदगी रह गई, अरे कुछ तो बताओ इस रूखी सवाब, कुछ तो बताओ इस बेरुखी सबाब, क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई।